देखिए जो अनलॉक की गाइडलाइंस है उसमें आवश्यक है कि प्रत्येक दुकानदार जो दुकान खोलता है वो खुद सभी स्टाफ के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य है और जितने भी लोग दुकान में आते हैं उनके द्वारा भी मास्क लगाया जाना अनिवार्य है। तो सबसे ज़्यादा तो हमने इसी बात पे एम्फसाइज किया है, जोर दिया है कि बिना मास्क के ना तो कोई दुकान खोले ना किसी कस्टमर को आने दे, नंबर एक। नंबर दो, खास करके जो बड़े दुकान हैं जहाँ पे ज़्यादा संख्या में एक साथ ग्राहक आते हैं वो लोग इंफ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था करें और जो भी लोग उनके यहाँ आते हैं उनके टेम्परेचर स्क्रीनिंग की व्यवस्था वो करते रहें ताकि अगर कोई सिम्टम का व्यक्ति है यानी कि लक्षण वाले व्यक्ति है तो उसकी पहचान सही समय पर हो सके, उनको वापस भेजा जा सके। ऐसे ही जो है सैनिटाइज़र की व्यवस्था लगभग सभी दुकानों पर की गई है, तो सैनिटाइज़र देने पर यानी कि उसको डिस्पेंस करने पर भी हमने ड्यूटी लगाने को कहा है कि एक आदमी नियमतः प्रत्येक अंदर आने वाले व्यक्ति का हाथ जो है वो सैनिटाइज़ कराए। तो यही निर्देश जो है सभी दुकानदारों को दिए गए हैं और इसी को पूरे ज़िले में इन्फोर्स कराया जाए। सर, जिस तरह से होटल और रेस्टोरेंट खुलने की बात कही थी, क्या सर इस पर हम कुछ जो है गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं किस आधार पर चलना है? एक्चुअली हमने कुछ होटल्स जो हैं वो क्वारंटाइन फैसिलिटी के रूप में अधिकृत किए हुए हैं, उनके साथ भी बातचीत चल रही है। एक अरेंजमेंट आज से कल तक में कोई बन जाएगा और उसके मुताबिक जो है होटल खुले जाएंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, बार बार दे रहा हूँ कि लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दिया गया है लेकिन बीमारी कम नहीं हुआ है, बीमारी का खतरा भी बहुत ज़्यादा है, आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा है। तो पूरा ध्यान रखें, ज़रूरी हो तभी बाज़ार में या मंदिर में या कहीं भी जाएं, नंबर एक। नंबर दो, जब भी बाहर जाएं तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और डिस्टेंस को बनाए रखें। सर, कोविड ग्रुप क्या स्थिति है यहाँ पर? यदि अपना जिला एक सुरक्षित है नहीं है यहाँ पर? देखिए, हमारे यहाँ तकरीबन अब तक जो है 147-148 पेशेंट जो है अब तक पॉजिटिव हमारे आए हैं, लेकिन उसमें से मात्र 50 के करीब जो हैं वो एक्टिव हैं, बाकी लोग अभी डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। हमारे ज़िले के कोई भी पेशेंट जो है जो यहाँ पे भर्ती हुआ है उसकी डेथ नहीं हुई है। यहाँ 4 लोग ऐसे आए थे जिनका कि रास्ते में डेथ हुआ था, उसके अलावा कोई भी जो अस्पताल में गया है हमारे ज़िले से उसकी डेथ नहीं हुई है। अयोध्या के जो मेडिकल कॉलेज में 2 लोगों की डेथ हुई है अब तक, वो दूसरे ज़िलों के थे, और जैसे आज सुबह एक की डेथ हुई, वो 75 साल से ऊपर के व्यक्ति थे, वो उनको कोमॉर्बिडिटी थी, दूसरी बीमारियां थी जिसके कारण से ये चीज़ हुआ है। तो ठीक है, हमारे पास पर्याप्त बेड है, हमारे पास जो भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसको हम लोग सही प्रकार से उसकी ट्रेसिंग करके उनके जो कॉन्टैक्ट है उनकी भी जाँच करा रहे हैं ताकि कोई भी संभावित केस छूटने ना पाए। एट द सेम टाइम हमारे पास भी पर्याप्त बेड है, जो भी केसेस आएंगे उसको हम ठीक से मेडिकली